Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday. जिसका नाम पूरा लंदन जपता है, इस समय मेरा नाम जप रहा होगा। याद कर रहा होगा उस पल को जिस पल उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, और तैयारी कर रहा होगा अपनी दौलत मेरे नाम कर। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे रणवीर बोल रहा हूँ, कैसा है तू? हैप्पी बर्थडे भाई। रणवीर कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा तू लंदन में ही है ना? साहिबा होगी तेरे पास, चलो उससे बात करवा। वो सब छोड़ यार, तू ये बता कि अब गिफ्ट क्या लेगा? लंदन का टिकट भेज दूँ पूरी फैमिली के लिए, आरती भाभी और बच्चों के लिए भी? मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा अगर तू इंडिया आएगा मेरे बर्थडे पे। अच्छा तो पार्टी हो रही है इसका मतलब? हाँ कुछ सरप्राइज पार्टी है, लेकिन तू एक बार बता साहिबा कहाँ है, मेरी उससे बात तो करा। साहिबा तो नहीं है यार, लेकिन अब तेरा सरप्राइज जरूर लाऊंगा। चल इंडिया आके मिलता हूँ। ओके बाय रणबीर, सी यू, बाय बाय। तेरा नाम मुझसे कुछ इस तरह जुड़ा है साहिबा, कि उसे अपने से अलग करूं भी तो कैसे, कैसे बताऊं लोगों को कि अब हम दोनों एक साथ नहीं है। I love you, Ronnie. I love you so much. मैंने तुमसे कहा I love you और तुम चले गए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब क्या है जायस? रॉनी come on, don't tell me you don't feel anything for me. मैं इतनी बुरी हूँ क्या? देखो जायस, मैंने तुमसे कहा था हमारा साथ बस यहीं तक था। नो रॉनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ आओगी? ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई सेड। सात समुंदर पार भी? सात समुंदर पार इंडिया? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ इंडिया आऊंगी, जहां तुम बोलोगे मैं आऊंगी। वो क्या है जायस की, अब मैं इंडिया अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड को इतने पैसे नहीं देते कि। नहीं, I totally understand that.
डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगी, टिकट्स आर स्टे एवरीथिंग, बस बस हम साथ चलेंगे। भी कुछ मत कहना। क्यों मम्मा? सरप्राइज गिफ्ट है पापा के लिए। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। अंश, क्या नहीं बताओगे? पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। जाओ तुम बाहर जाके खेलो। ओके। जा रही जी, जी वो पीर बाबा के मजार जाना था, मन्नत मांगी थी। कैसी मन्नत? वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, मन्नत बताई नहीं जाती ना, लेकिन मेरे जाने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या मन्नत थी। एक मिनट। हाँ मानव, हाँ मैंने एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज दी है। नहीं जानती थी यश जी कि आपसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, आपको ही छोड़कर जाना पड़ेगा। काश काश हम साथ रह पाते, साथ हंसते, साथ खेलते, जिंदगी के हर एक लम्हे को साथ जी पाते और अपने प्यार से उन्हें और खूबसूरत बना पाते। काश
फरिश्ते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे शोर करने लगे जो दो दिल एक चाल चलने लगे जब एक ढाल ढलने लगे जब एक थाल चखने लगे जब दो दिल जुड़ने लगे लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे शहज़ादे चाल चलने लगे हैं एक ढाल ढलने लगे हैं एक थाल चखने लगे हैं दो दिल जुड़ने लगे लगे दो दिलों के जब किनारे उड़ने लगे इश्क ज़्यादा इश्क ज़्यादा इश्क ज़्यादा इश्क ज़्यादा कहते हैं जिंदगी में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कभी नहीं सोचा था कि ये मुझ पर ही लागू होगा लेकिन आज शाम जश्न की शाम है और मैं खुल के जीऊंगी बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे रिश्तों का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है आखिर ये रिश्ते ही तो हैं जो जिंदगी जीने की ताकत देते हैं आप स्टेट हाईवे के पास ना एक जीप भेजो और पास में जो भी हॉस्पिटल है वहां से एक एम्बुलेंस भेजो फास्ट 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है तो आप तब तक इंदु को संभालिए मैं जरा उन्हें संभाल कर आती हूं जिसने इंदु की हालत की Thank you.
हाथ छोड़िए मेरा। अब नहीं। अरे क्या हुआ इस बच्ची को? इसे तो बहुत चोट लगी है। बेहोश है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन ये सड़क से यहाँ तक कैसे पहुंची? मैम आपको बहुत चोट लगी है, लेडीज प्लीज इन्हें ले जाइए। बाबूजी और ये तो कब से पहुंच गए, देर ना हो जाए, मेहमान भी आगे होंगे। लेकिन आरती, आरती कहाँ है? आरती अभी तक नहीं आई। लो आ गई आरती। अच्छा आरती जल्दी चलो, अंश पलक पायल बाऊजी के साथ पहले ही जा चुके हैं। आप लोग चलिए, मैं बाद में आती हूँ। आरती जी बाद में क्यों, अभी चलिए ना। रहने दीजिए ना यश भैया, हो सकता है बर्थडे पार्टी के बाद आरती आपको कोई सरप्राइज देना चाह रही हो और उसी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर रुकी हो। चलो अच्छा आरती तुम जल्दी से हवेली के बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाना, सारे मेहमान आ चुके होंगे, बाऊजी ने बहुत शानदार इंतजाम किया है, कह रहे थे आज कुछ अनोखा करने वाले हैं, जल्दी आना। दिन हमारे लिए बहुत कठिन है, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम इस चुनौती का सामना अच्छा से करें। सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए पिंटू सिंह? कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं है, काय के एक ठो जरूरी काम के लिए तुमको अभी भोपाल जाना होगा। भोपाल? हाँ भोपाल। हम
हमारे पास तुम्हारे साथ बहस करने के लिए समय नहीं है, तुमको अभी भोपाल के लिए निकलना होगा। लेकिन बाबूजी, भोपाल में काम का है, हम काहे जाए भोपाल? तो कहा है कि हुआ के बहुत बड़े उद्योगपति सूरज प्रताप सिंधिया जी, उनके यहां उनके बेटे यश के जन्मदिन की पार्टी का न्योता आया है, समझे? तो बाबूजी आप काहे नहीं जा रहे? बस पिंटू सिंह, अब एक शब्द नहीं बोलना, एक शब्द और नहीं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। वहां जाइए, यश से मिलिए, देखिए कितना होनहार बच्चा। चलिए जाइए, अब अपना अटैची तैयार कीजिए। भगवान जाने कैसा इम्तिहान ले रहा है हमारा, आज कृष्णा के जीवन का इतना मुश्किल दिन है पर हम उसके साथ नहीं होंगे। आपका इस वक्त हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? कृष्णा बेटा, तुम रवि को साथ लेकर चली जाओ, काहे कि वहां समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ कृष्णा, माँ बिल्कुल सही कह रही, पिंटू जी कोनो जरूरी काम में उलझ गए होंगे, उनको लगता है कि वो सीधा डीसी सर के दफ्तर में पहुंच जाएंगे, तुमको निकलना चाहिए कृष्णा। अरे जल्दी निकलिए पिंटू सिंह, बहुत देर हो रहा है। अरे एक बात और सुनिए, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम दिए हैं आपको, वहां जाके हमारा नाक मत कटवाइएगा, जाइए। इसे कहते हैं एक तीर से दो दो निशाना लगाना। हेलो कृष्णा, हम तुमको बताने के लिए फोन किए थे कि कुछ जरूरी काम से हमको पटना जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारा इंक्वायरी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या हुआ कृष्णा? हमारा जो इंक्वायरी होने वाला था वो थोड़ा दिन के लिए आगे चला गया है। हेलो कृष्णा, माफी चाहते हैं, हम तुम्हारा फोन नहीं उठा पाए। तुम निकल गई का? नहीं, हम नहीं निकले, डीसी सर का ऑफिस से फोन आया था थोड़ा देर पहले कि उनको किसी जरूरी काम से पटना जाना पड़ा है, तो हमारा इंक्वायरी थोड़ा दिन के लिए आगे बढ़ गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। का मतलब? अरे मतलब ये कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भोपाल चल। भोपाल? लेकिन काहे? वो काहे ना कृष्णा, बाबूजी के एक दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। नहीं नहीं, हमारा आपके साथ वहां जाना ठीक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हमको आधा घंटा में न्यू मार्केट में मिल तो सकती हो ना? अच्छा ठीक है, हम आधा घंटे में वहां पहुंचते हैं। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। आज सिर्फ यश के ही दोस्त नहीं आ रहे हैं, मैंने कुछ खास मेहमानों को भी निमंत्रण दिया है। कौन कौन आ रहा है बाबूजी? वही तो सरप्राइज है, बस देखते जाओ। जादूगरी नींद इन आंखों से छीन ली, हर दिल में बेचैनी आंखें भरी, मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये।
Thank you.
माल। आप? हाँ हम। का है? ये हमारा अपनी श्रीमती जी के लिए प्यार है, लेकिन वो का है ना, आपको भोपाल ले जाना बहुत जरूरी था, इसलिए आपके ही हीरो ने अपनी हीरोइन को किडनैप कर लिया। आप? आपका? अरे हमको पता था कि आप हमारी हरकत से नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम पहले से कोना जुगाड़ करके आए। अरे ओ सांबा, इसीलिए हम आपके लिए मीठा मीठा चॉकलेट और ये टेडी बेयर लाए। अरे आप तो अब भी नहीं मुस्कुरा रहे। अरे भाई मान दीजिए। अरे भाभी अब तो मान जाइए। हम गुस्सा नहीं। तो मुस्कुरा दो। आप भी ना। ये हुआ ना बात। अच्छा ये बताइए कि हम घर वालों को क्या बोलेंगे? अरे अपना ये हरफन मौला के रहते हुए टेंशन काहे ले रही हो? रास्ते में कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। मदन रेलवे स्टेशन। जो बात मैं आपसे इस वीडियो के जरिए करने जा रही हूं वो मैं आपके सामने नजरें मिलाकर कभी नहीं कह पाती। यश जी उस रात मुंबई में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ जिसे आप हमेशा पाप मानते आए हैं वो मेरे लिए सिर्फ निशानी आपकी परछाई आपका अंश हमारा हायु और मैं अपने साथ लेकर जा रही हूं। हाँ यश जी मैं मां बनने वाली हूं। मैं जानती हूं आप इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूं, बहुत दूर। मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं अकेली नहीं हूं। आज हमारा बच्चा मुझे जीने की ताकत देंगे। जिंदगी में बस एक बात की टीस रह जाएगी यश जी कि आप जैसे अच्छे इंसान का प्यार मुझे नहीं मिल पाया। लोग कहते हैं कि पुनर्विवाह आसान नहीं होता, आज देख भी लिया, बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई।
बार फिर से आखिरी बार कहना चाहती हूँ दैट आई लव यू यश जी. सब इस दिल की ही तो मुश्किल. मैं हमसे बहुत प्यार करती हूँ. डॉक्टर कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? घबराने की कोई बात नहीं है. आपकी बच्ची को ज्यादा चोट नहीं आई है. अभी ये बेहोश है. होश में आने के बाद आप इसे दिल्ली ले जा सकते हैं. मिस्टर ऋषि कुमार आप खुशकिस्मत हैं जो आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है. वैसे उस इंसान की दाद देनी पड़ेगी जिसने ऐन मौके पर पहुंचकर आपकी बच्ची को बचा लिया. हिम्मत और जज्बा मेरी बच्ची को उसकी मां से मिला. क्या तुम्हें भी लगता है कि वो श्रीमती जी थी? और अगर वो थी तो मुझे उनके बारे में पता करना पड़ेगा. हेलो हेलो रिकी, इंदु ठीक तो है ना? मैंने एजेंट को बोल दिया टिकट के लिए मैं शाम तक भोपाल पहुंच जाऊं. यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें. क्यों? क्योंकि वो देखो श्वेता, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. और जैसे इंदु को होश आएगा वो लोग उसको डिस्चार्ज करेंगे. मैं लेकर आ जाऊंगा उसको दिल्ली. अच्छा, पर रिकी वो पक्का ठीक है ना? जब तक मैं उसे खुद देख ना लूं, अपने गले से ना लगा लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा. वैसे रिकी तुमने बताया नहीं कि हमारी इंदु की जान किसने बचाई? सिर्फ नाम के ही बाप है क्या आप? अपनी बच्ची संभलती नहीं आपसे? अगर मैं कुछ देर बाद पहुंचती तो पता है क्या होता? कौन था वो मसीहा? जाने क्यों लग रहा था वो ख्वाब हकीकत सा. आज 8 बरस बाद अचानक फिर से मिला वो अपना सर. क्या कह रहे हो रिकी तुम? कौन था वो अजनबी? वो अजनबी नहीं है. अजनबी नहीं है रिकी, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पिछले 8 सालों से बहका हुआ था. परसों बरस बाद आज होश में आया हूँ श्वेता. जानना चाहोगी किसकी वजह से मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ? मेरी श्रीमती जी, मेरी इंदिरा वापस आ गई है. यस, शी इज बैक. अब देखना श्वेता कैसे फिर से मेरी जिंदगी में रंग भरेगी.
पागलों जैसी बात कर रहे हैं आप। अगर खुश होना पागलपन है श्वेता तो हाँ मैं पागल हूँ, अगर प्यार करना मोहब्बत करना पागलपन है तो हाँ मैं हूँ पागल। तुम्हारे कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम्हें पता है इंदु की जान किसने बचाई है? खुद उसकी माँ ने। इंदु को मौत के मुंह से निकालने वाली उसकी माँ इंदिरा शर्मा है। आस्था हॉस्पिटल, एक मिनट रुकना। हेलो, मैं तो भूल ही गई थी। देखिए अभी मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मुझे बहुत ही अर्जेंट का, प्लीज। ओके ठीक, मैं कोशिश करती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि यश की बर्थडे पार्टी में जाना है। क्या करूँ, होकर आती हूँ, नहीं तो वो खड़ूस बुरा मान जाएगा। वैसे भी इंदु के पास तो उसके पापा हैं ही, जब तक इंदु ठीक होती है मैं पार्टी में होकर ही आती हूँ। चलो इस खड़ूस को भी बर्थडे आज ही मनाना। मम्मा सारे गेस्ट आ गए, आप कब आओगी? ठीक 8 बजे, पापा का हैप्पी बर्थडे केक भी काटना है ना। मम्मा आपको याद है ना, आप जल्दी आ जाओ। आपको पता है मैं यहाँ पर सबके साथ डांस भी करने वाला हूँ, आप टाइम पे नहीं आएंगी तो आप मेरा डांस मिस करेंगी। जल्दी आ जाओ मम्मा। आर्यवंश, आर्य। थैंक यू।
चले बेटा, यश की पार्टी के लिए देर ना हो जाए। जी ताई जी, मैं तो भोपाल जाने के लिए एकदम रेडी हूँ, ये देखिए। लेकिन गुंजन का कुछ अता पता नहीं। अभी तक आई नहीं? नहीं, हम अभी उससे फोन मिलाते हैं। हेलो। हेलो मौसी जी। गुंजन, सॉरी मुझे कॉलेज में बहुत देर हो गई। मैं सोच रही थी मैं सीधा आप लोगों को बस स्टॉप पर ही मिलूं। हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। हम और मैं बस स्टॉप के लिए निकलते हैं। रास्ते में यश जी के लिए तोहफा भी खरीदना है। तुम्हारा बैग साथ ले चलेंगे, तुम वहीं आ जाना। ठीक है मौसी जी। क्या हुआ ताई जी, क्या कह रही थी गुंजन? यही कि कॉलेज में उसे बहुत देर हो जाएगी, वो सीधे हमें बस स्टॉप पर मिलेगी। अब चले। सीमा, संगीता, जरा आना। जी दीदी। अब हम और मयंक है ना यश के बर्थडे पार्टी के लिए निकल रहे हैं, तुम लोग घर का ख्याल रखना। जी दीदी, हमारी तरफ से वहां सबको प्रणाम कह दीजिएगा और यश को बर्थडे विश भी कर दीजिएगा। करेंगे। मयंक बेटा, सामान लेकर तुम बाहर चलो, हम गुंजन का बैग लेकर आते हैं। जी दादी। क्या जमाना आ गया, खुद तो वहां जाकर मजे करेंगे और हमसे एक बार पूछा तक नहीं झूठे मुंह भी। क्या पता यश को हमारा ये तोहफा पसंद आएगा भी या नहीं। ताई जी, ये तोहफा उन्हें जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन टेंशन ये है कि गुंजन कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहां रह गई। आपसे उसने कहा था ना कि वो आ रही है। हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जरा फोन लगा उसे। अब मैं फोन कर रहा हूं तो वो फोन उठाएगी थोड़ी। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं ताई जी, वो उसका फोन नहीं लग रहा है। हे भगवान, ये लड़की भी ना, ना फोन उठा रही है और ना ही आ रही है। अगर हम अभी नहीं निकले ना तो हम कभी वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। एक मिनट भाई साहब। हाँ। इस बस के बाद भोपाल के लिए दूसरी बस कब निकलेगी? 1:05 में निकल रही है, इसके बाद 2.5 घंटे। 2.5 घंटे? मयंक बेटा, हमें अभी ही निकलना होगा वरना हम कभी वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करें, गुंजन भी ना। ऑटो। मुझे समझ नहीं आता, जब आपने उसे बोला था कि शाम को जाना है तो वो कॉलेज गई क्यों? और गई तो इतना टाइम क्यों लगाया? इसका मतलब उसे आना ही नहीं था, है ना ताई जी? मयंक, अभी ये सब सवाल जवाब करने का समय नहीं है, बस ये सोचो कि वो जल्द से जल्द आ जाए। उसे एक बार और फोन लगाओ जल्दी। जी। हेलो गुंजन, गुंजन कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रहे हो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पता है बस निकलने वाली है। हेलो मयंक, मैं रास्ते में हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो हेलो गुंजन। हेलो हेलो क्या हुआ बेटा? उसके फोन में नेटवर्क भी चला गया। तो फिर ऐसा करते हैं बेटा, हम लोग निकल चलते हैं और यहाँ पर किसी से कह देंगे उसे कहने के लिए, या फिर तुम उसे फोन पर मैसेज छोड़ देना। लेकिन लेकिन ताई जी गुंजन। अरे चलो भाई, भोपाल की बस निकल रही है, चलो चलो चलो। मयंक देखो, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, गुंजन पार्टी में नहीं आ पाएगी बेटा।
और वहां पर सब हमारी राह भी देख रहे हैं। चलो चलते। ताई जी। हाँ? हम कह रहे हैं ना, चलो चलो बेटा चलो आओ। ये मयंक कुंजन को लेकर इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मयंक बेटा चलो ना, कुंजन समझ जाएगी कि हम क्यों निकल गए। आओ। मासा, लवली आज शाम को हम यश के घर पार्टी में जा रहे हैं। तुम एक काम करो, सबके लिए उपहार ले आओ। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मासा, मैं ले आऊंगी। मासा, मैं भी चलता हूँ, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अरे बिंदनी, थारा एक छोरा तो सुधर गया है, इसलिए तो घर की चिंता छोड़ और शाम की पार्टी की तैयारी कर। जी अम्मा सा, इस पार्टी में जाने के लिए हम तो बहुत खुश हैं। सबसे मिलना हो जाएगा, खासकर आरती से और शोभा से, उनसे मिले तो अरसा हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदूं, मुझे तो पता भी नहीं है कि यश जी को पसंद क्या है। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? 900 रुपए का। इसे पैक कर दीजिए। सॉरी मैडम। आप कुत्ते को लेकर अंदर नहीं जा सकती। तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। मैडम मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं। खबरदार जो तुमने मेरे सनी को कुत्ता कहा। पैडी आंटी, ये कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है सनी। सनी पुत्र। पैडी आंटी। अरे लवली, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। बिंदु, बिंदु कैसी है? वो भी। और सादी जी, मेरे सादी जी कैसे हैं? मुझे तो बहुत मिस करते होंगे, क्यों? सब बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे कैसे? अरे बस थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग करना था। और तुम भी शॉपिंग करने आई हो? हाँ, वो किसी के लिए गिफ्ट खरीदना था। अच्छा, वेरी गुड। ये मेरा बेटा है सनी। हेलो बोलो, हेलो, शेक हैंड करो, शेक हैंड। आपका बेटा सनी बहुत क्यूट है। ठीक है, मैं शॉपिंग करती हूं। ओके बाय, कम ऑन। एक्सक्यूज मी,
Yes, ma'am. वो पर्स दिखाना. This one? हाँ, black, black, black. Okay. हाँ. कैसे आ गई? मैं तो शॉप में थी. अरे भैया, अभी और कितना टाइम लगेगा? कम से कम 15 मिनट तो लगेगा. अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो यहाँ से पैदल का 2 मिनट का रास्ता है. सड़क कच्ची है लेकिन बस स्टॉप तक पहुँचाती है. हाँ ठीक है, तो फिर आप यही रोक दीजिए. ये लीजिए. ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ताई जी. ताई जी, आप ऐसा कीजिए, आप चलिए, मैं और गुंजन दूसरी बस में आते हैं. पर हम अभी नहीं. ताई जी, गुंजन का भी इस पार्टी में जाने को बहुत मन था. आप चलिए, हम दोनों आ जाएंगे. लेकिन मयंक, उसे फोन पर भी तो बता सकते हो. ताई जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता. वैसे भी मैं और गुंजन वहां सब लोगों से बात करके क्या करेंगे. सब लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं ना. तो मैं चलता हूँ. हाँ ताई जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों पहुंच जाएंगे. ठीक है. अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और गुंजन का भी. और बाहर से खाना मत. जी ताई जी. मयंक, गुंजन, मयंक, जो दुकान का सारा सामान है उसकी सारी लिस्ट बना लेना और सबको ठीक से. कसम, घुटनों की कसम, अजी आप चिंता मत करो, हो जाएगा सब कुछ. चलो जल्दी. ये भैया को क्या हो गया? कहीं नैना वापस तो नहीं आ गई? मैं जाके मासा से पूछती हूँ. ये क्या हो रहा है? मासा कहाँ है? किचन में होंगी. ये सब लोग बूढ़े हो गए तो अम्मा सा उनका क्या होगा? क्या यही दिन दिखाने के लिए हमारे को जिंदा रखा भोलेनाथ बाबा?
हमारे घर से खुशियां छीनने की बजाय मारे को छीन लेता। यानी मैं 2012 से सीधा 2030 से पहुंच गई, लेकिन कैसे, ये कैसी गड़बड़ हो रही है? सब तो दिख गया लेकिन मासा वो कहाँ है? मासा, 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 ये तो सनी है, पैडी आंटी का सनी, ये यहाँ पर? सनी, ये हमारे घर में कैसे आ गया? ये कहाँ से आ गया? हेलो, कहाँ हो तुम लवली? हम पार्टी में पहुंच गए हैं और तुम अभी तक गिफ्ट लेकर नहीं आई हो। मासा, मैं बस दुकान में हूँ, बस निकल गई, हो गया। अब क्या फायदा, पार्टी तो शुरू भी हो चुकी है, कैसा लगेगा यश के सामने खाली हाथ जाते हुए? मासा, मैं बस पहुंच रही हूँ। बहुत बड़ी गलती की, तुम एक काम सौंप कर। हेलो मासा, अब क्या करें, बिना गिफ्ट के कैसे मिलने जाए? बिंदेश्वरी, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? वो हमारी बहू लवली ने गिफ्ट लेकर आना था पर वो पहुंच नहीं पाई। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, यही गिफ्ट हम दोनों मिलकर देंगे। अरे वाह, मेरी सहेलियां पहुंच गई और मुझे पता तक नहीं। बिंदेश्वरी, कैसी हो सुलक्षा? अच्छा, शैल की कोई खबर नहीं, अभी तक पहुंची नहीं? हम यहाँ है शोभा। तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? आप लोगों को तो आना ही था, माँ भले ही डांस करे ना करे लेकिन आप लोगों को ठुमके जरूर लगाने, लगाएंगे ना? इस तरफ। जन्मदिन के लिए हमार तरफ से बहुत बहुत बधाइया। जलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से। हमरा भूतों में, हमरा भूतों में नाम रे, हमरा भूतों में नाम रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे।
देख लिया गाना, जिस तरह तुम इस पार्टी में मजे लूट रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये घर छोड़कर कहीं जाने वाली। वादा किया था तुमने आरती, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर यश को बता देती हूँ कि उसकी एक गलती का अंजाम तुम्हारे अंदर पल रहा है। फिर उसके चेहरे पर जो ये खुशी देख रही हो ना, गायब हो जाएगी। आग उगलने लगेगा वो अपने ही जन्मदिन पर। पहली बात, बार बार मेरे होने वाले बच्चे को गलती कहना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, चली जाऊंगी मैं घर छोड़कर। यश जी का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो जाए फिर चली जाऊंगी। बुआ जी, मैंने सोचा था कि मेरे रहते हुए मैं आपको बदल दूंगी, लेकिन वो तो मैं करने से रही। जाते जाते एक नेक काम आपके हाथों से करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद यश जी मुझे ढूंढे और परेशान हो। ये सीडी उन्हें दे दीजिएगा, वो सब समझ जाएंगे। और हो सकता है ऐसा करने से आपके पाप का घड़ा थोड़ा कम भी हो जाए। मेरे भगवान की कसम आरती, तुम समझती हो कि ये सीडी मैं यश को दूंगी ताकि उसे सारी सच्चाई पता चल जाए और वो तुम्हें फिर वापस घर ले आए? मैं तुम्हारे जैसी मूर्ख नहीं हूं आरती। एक विधवा होते हुए दूसरी विधवा के जीवन में आती हुई खुशी को मैं कभी नहीं देख सकती। ए जल कुकड़ी, क्या मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है?
अरे ऐसे देखो मत, सविता ताई आई है मुंबई से। क्या पक रहा है मन में, बोल बोल। अरे मुझे पता है कि मैं हीरोइन से कम सुंदर नहीं हूं, फिर भी मेरी ये सुंदरता देख के तेरे तोबड़े का ये भूत क्यों बन गया? पता नहीं नया कांड क्या है, बोल। आपसे मतलब? मतलब? अरे वाह वाह वाह, मैं तो एक्सपर्ट हूं इसमें, बचपन से यही करते आई हूं। अरे बहुत सारे लोगों को सिखाया है, अभी मैं तेरी मदद करने आई हूँ, ट्रेनिंग देने आई हूँ। मेरे भगवान की कसम, मुझे किसी ट्रेनिंग व्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरे भगवान की कसम, ये सबका भगवान इसका कैसे हो गया? अरे देख, तेरी मर्जी, छोड़ दे, लेकिन तूने जो एक नया कांड किया है ना, वाह वाह वाह, शाबाश। अब ये सीडी है ना, ये फेंक कर ही दम लेना, ले। बहुत साल पहले मैंने जो अर्चना के साथ किया ना, तू अभी आरती के साथ करना। तेरे भगवान की कसम, इस सीधी सादी जिंदगी में कुछ मजा नहीं, थोड़ा मिर्च मसाला डालेगी ना, देख कैसा मजा आता है, देखते रहना। अजीब गले पड़ू औरत है, चिपकी गई। लेकिन मास्टर ने बात पते की बता कर गई है, आरती की इस आखिरी उम्मीद को अब तो मैं फेंक कर ही दम लूंगी। बुआ जी, बुआ जी, डांस इंडिया डांस से आपके फेवरेट कंटेस्टेंट मयूरेश और वन्ना हैं, उनकी परफॉर्मेंस शुरू हो रही है, आइए आइए आइए, जल्दी चलिए। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा, इश्क वाला लव। जाके बादलों की जाली के पीछे से करी चांदनी है मुझको इतना, लेके नूर सादा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ, इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। होते होते होगा समझाए हम, थम जाए तुम हो दिल मेरे, टूटा सादा सादा तारा जब गिरा, जरा सादा सादा मांगू ज़्यादा ज़्यादा माने ना, दिल ये सर फिरा, इश्क वाला लव, बड़ा ये दिल ना दान था पर आज कुछ ज़्यादा हुआ, जो खोने का था डर तुझे पता नहीं क्यों ज्यादा हुआ, इश्क वाला, सुर्ख वाला, सोज वाला।
आज ताई और जीजू तो मुझ तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन पुलिस अभी भी मेरे पीछे है। मेरा इस तरह बाहर घूमना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं होटल भी तो वापस नहीं जा सकती। एक तो वहां पुलिस होगी और फिर सोहम वापस आने की वजह पूछेगा तो क्या बताऊंगी। अब मेरे पास ये शहर छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब मैंने ये पटना की टिकट तो निकाल ली है, लेकिन ये है परसों की, मतलब पूरा डेढ़ दिन निकलना है। यहीं सबकी नजरों से बचकर ट्रेन तक पहुंचना है। पापा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ये उमा ना हमेशा ऐसा ही करती है, आज भी काम पर नहीं आई। अरे उसका बेटा बीमार है इसलिए वो नहीं आई। हाँ लेकिन एक औरत कम पड़ जाएगी ना, अभी इतनी बड़ी पार्टी में हमें खाना बनाने जाना है, वहाँ कितने सारे काम होगा, अब उसका काम कौन करेगा? अब ऐन मौके पर कोई दूसरी औरत मिलेगी भी नहीं। अब पहली बार इतनी बड़ी पार्टी का ऑर्डर मिला है हमें, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लगता है इन्हें काम करने के लिए एक औरत की जरूरत है, लेकिन ये औरतें कौन है और जा कहाँ रही हैं? खैर जो भी है, फिलहाल मैं इनके साथ चली जाती हूँ, बात की बाद में देखी जाएगी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपके पास मेरे लिए कोई काम हो सकता है? काम? जी दरअसल बात यह है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही हाथ में काम, और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई काम होगा तो। क्या क्या काम कर सकती हो? खाना पका सकती हो? जी बिल्कुल। ठीक है, दिन के 100 रुपये दूंगी खाना अलग से, और रही रहने की बात तो हमारे साथ रह लेना, ठीक है? हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है चलो चलो। आप ही की कृपा है बापा, इस काम के बहाने ताई और जीजू से छुपने की जगह मिल गई। अब 2 दिन यूं ही निकल जाएंगे और परसों मैं पटना वापस चली जाऊंगी। शेल सीडी मिली? हाँ? वो क्या हुआ, किस उलझन में हो तुम? बहुत बड़ी उलझन है शोभा, हमारी बहन स्नेहा की बेटी गुंजन। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे देवर के बेटे मयंक के साथ उसे प्यार हो गया है। अब हम इस दुविधा में है कि हम एक मौसी का फर्ज निभाए या एक ताई जी का, समझ में नहीं आ रहा है। इस दुविधा को हम सुलझाते हैं। हमें लगता है कि कुछ फैसले हमें शिवजी भगवान जी पर छोड़ देने चाहिए। हाँ शेर, बिंदेश्वरी एकदम ठीक कह रही है शेर, दुविधा की घड़ी में कुछ फैसले ऊपर वाले पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचता है। अब देखो ना, इसे ईश्वर की ही मर्जी समझो कि उसने हमें यहाँ इस पार्टी में बुलाया है, नाचने गाने का मौका दिया, जश्न मनाने का, है ना? अरे जश्न तो तब मनाएंगे जब सीढ़ी मिल जाएगी। सीढ़ी मिली? अरे नहीं, वही ढूंढने आई थी, इसके साथ बातों में लग गई। लेकिन शोभा तुमने सीढ़ी रखी कहाँ पर है? जाओ तुम कमरे में देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। अच्छा चलो तुम यहाँ चलो। नमस्ते शोभा आंटी। नमस्ते बेटा। कैसी हैं आंटी? मैं अच्छी। क्या बात है चाची जी, आप लोग परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं कृष्णा, हम सबको यश जी के जन्मदिन पर डांस करना था, पर पता नहीं गाने वाली सीडी कहाँ चली गई। मिल नहीं रही मतलब? एक मिनट, कहीं चोरी तो नहीं होगी?
जारा, अब यहाँ यहाँ कौन चोरी करेगा? और प्लीज, यहाँ पुलिस वाले बनने की कोई जरूरत नहीं। घर से कैसे कोई चीज चोरी हो सकती? यही कहीं होगी, मिल जाएगी। हम बस कमरे की तरफ जा ही रहे थे ढूंढने। तुम लड़कियां पार्टी के मजे लो, हम ढूंढ कर लाते हैं। चले चले। कहीं ये वो सीडी तो नहीं है जो शोभा आंटी ढूंढ रही थी? उन्हें दिखाकर आते हैं। शोभा आंटी, ये लीजिए आपकी सीडी, मिल गई। नहीं, ये वो सीडी नहीं है, हमें हमारी सीडी तो मिल गई। थैंक यू बेटा। ये अगर इनकी सीडी नहीं है तो फिर किसकी है? और ये वहां किसी ने क्यों फेंकी होगी? मुझे लग रहा है ना, दाल में कुछ काला है। ये पुलिस वालों को हमेशा दाल में काला काहे नजर आता है? दाल भी तो काला हो सकता है ना। मिस बीडीओ, सीडी चलाकर देख ले, पता चल जाएगा कि दाल में काला है या दाल ही काली है। चले चलो। हेलो मिस्टर अर्जुन, वेलकम। हाउ आर यू? हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। या थैंक यू, थैंक यू फॉर द पार्टी। Hi, hi. How are you? I'm good. After a very long time? Mr. and Mrs. Kirloskar, कैसे हैं आप दोनों? इस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको पता नहीं होगा कि आप दोनों मेरे फेवरेट कपल हैं। मैंने अक्सर शोभा से, आई मीन मेरी वाइफ से, आप दोनों की लव स्टोरी सुनी है। उस वक्त तो मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर सका, इसलिए विश नहीं कर पाया। तो अभी सही, heartiest congratulations to both of you. No, बहुत सुंदर जोड़ा है। वो एक्चुअली पूर्वी मिसेस किर्लोस्कर नहीं है। मेरी शादी ओवी देशमुख से हुई थी और वो इस वक्त पार्टी में नहीं आ सकी, तो उनके बिहाफ पे मैं आया हूँ। आई एम सो सॉरी। एनीवे, आप ओवी को मेरी तरफ से बधाइयां दे देना एंड एंजॉय द पार्टी। या मैडम, तूने अर्चना को कहीं देखा? हाँ बाबा, अभी यही थी। रुकिए, मैं बुला के लाती हूँ। अरे नहीं, रहने दे। अच्छा है जो वो आरती की खुशियों में शामिल हो रही है, इसी बहाने कुछ देर के लिए सही, लेकिन वो सोम की टेंशन से दूर रहेगी। बाबा देखना, जल्दी ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हमारी हर कोशिश हमें सोहम दादा के करीब ला रही है, और अगर पापा चाहेंगे तो हम जल्द से जल्द इन्हें ढूंढेंगे। बहन जी, बाकी सारा काम मैंने कर दिया है, सिर्फ पूरियां तलनी बाकी है। मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया, अगर आप मदद करेंगे तो जल्दी हो जाए। हाँ चलो। जो बात मैं आपसे इस वीडियो के जरिए करने जा रही हूँ, वो मैं आपके सामने नजरों से नजरें मिलाकर कभी नहीं कह पाती। उस रात मुंबई में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, जिसे आप हमेशा पाप मानते आए हैं, वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था। और अब उसकी निशानी, आपकी परछाई, आपका अंश हमारा आयु अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मां बनने वाली हूँ। अरे पिंटू, तुम यहाँ? कृष्णा कहाँ है? अरे इतना मुश्किल से तो उसको किडनैप किए थे, पता नहीं कहाँ चली गई, देखी नहीं रही है। आप देखिए कहाँ। मैं
अरे पिंटू जल्दी चलो, विधि भाभी और बुआ जी कुछ हटके परफॉर्म करने वाले हैं, ऐसा मुझे विधि भाभी ने बताया। चलो चलो जल्दी चलो। मैं जानती हूँ आप इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। इसका मतलब आरती जी यश जी को छोड़कर जाने का फैसला कर ली? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कृष्ण। इतने प्यार करने वाले कभी अलग नहीं हो सकते। इस जोड़ी को हम कभी अलग नहीं होने देंगे, कभी नहीं। बिल्कुल, और आज हमें ये नेक काम करके ही जाना है।
उससे आई नाम जलेबी बाई जलेबी बाई जलेबी बाई जलेबी बाई मैं फैसला कर चुकी हूँ। हम औरतों को ही हर बार अग्नि परीक्षा से काहे गुजरना होता है। कृष्णा, जमाना बदल चुका है और इंडिया में औरतों ने भी बहुत तरक्की कर ली है। अपने घर बच्चे परिवार को संभालने के साथ साथ बाहर का काम भी संभालती है। अपने ऊपर हुए हुए अत्याचार के खिलाफ खड़ी होना भी जानती है। और आरती, तुम ऐसे जमाने में ऐसी बातें कर रही हो? आरती, तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मैं भी मानव के बिना 18 साल तक रही, लेकिन मेरे होते हुए ये सब नहीं होगा। मेरे होते हुए मैं किसी और को दूसरी अर्चना बनते हुए नहीं देख सकती। जमाना बदल गया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सब जमाने के साथ बदले, समझी तुम? हाँ आरती, हम तुम्हारा और यश का रिश्ता इस तरह टूटने नहीं देंगे, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। एक आम शादी में और पुनर्विवाह में बहुत फर्क होता है। आसान नहीं होता। आसान नहीं है तो उसे आसान बनाओ आरती, प्लीज अर्चना। मेरे लिए मेरे पति की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है और एक पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। और मेरे दूर जाने से ही अगर यश जी खुश हैं तो मुझे वही मंजूर है। तुम सबको मेरी कसम है, किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम लोग। आरती, ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? मतलब हमारे इकलौते भांजे की शादी है। अरे जल्दी हम कहाँ कर रहे हैं, ये लोग ने कर दी मांग जो भर दी। हम तो सिर्फ रस्में पूरी कर रहे हैं, और जितनी जल्दी रस्में हो जाए अच्छा है ना। आखिर कब तक दोनों ऐसे अलग अलग कमरे में रहेंगे? क्या लिखना है? आदित्य। हम बता नहीं सकते सुमनी, हम तुम्हारे हाथ में आदित्य का नाम देखकर कितने खुश हैं। जब ये रिश्ता ही झूठा है तो रस्में कैसे सच्ची हो सकती हैं? हाथ पर नाम लिखवाने से क्या फर्क पड़ जाएगा सोफी? तुम्हारे दिल पर तो सिर्फ एक ही अक्षर लिखा है, वी। देख रहे हैं ठाकुर मालिक।
रीवा ठाकुराइन ने हमसे कहा कि जे आदित्य ठाकुर के नाम का पहला अक्षर है। सोनी कब समझोगे तुम? हाथों पे खिंची मेहंदी की लकीरों से इंसान की किस्मत नहीं बदला करती। तुम्हारे हाथों की लकीरों में हमारा नाम छिपा हुआ है, उसका क्या करोगे? इसको पलट के देखो। जो बाकी रह गया है वो है वी। जाओ अब जाके दिखाओ अपने प्यार की निशानी पूरी दुनिया वालों को। जो काम तुम नहीं कर पाई तुम्हारे हाथ की मेहंदी कर दी। अरे यार पार्टी शुरू हो गई फिर लेट हो गया, परफॉर्मेंस का भी टाइम हो चुका। आई आई आई, कौन अंधा है धक्का मार के जाता है? आजी क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? चश्मा उतारो दुनिया देखो। ये आजी किसको बोला तू? आजी किसको बोला? आजी लगती हूँ सविता। सविता बदले बदले अंदाज। टाइम होता ना बहुत फ्लर्ट करता तुम्हारे साथ। टाइम ही तो नहीं है ना, परफॉर्मेंस में लेट हो गया हूँ, जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत बोर हो गई हूँ, टाइम पास करना है। मैं हूँ ना टाइम पास। मेरी परफॉर्मेंस देखो ना आके, बड़ी धमाल की है, चुकलबंदी वाली, बहुत टाइम पास होएगा। जल्दी से आ जाओ मिलता हूँ। क्या लड़का था, क्या स्टाइल से गॉगल उतारा, वाह पूरा तुझा दम है, दम। अभी नाच में कितना दम है वो जाके देखती हूँ। आ रही हूँ मैं। I'm
रॉनी, रॉनी so well, रॉनी तुमने मुझे कितने अच्छे से संभाल लिया। Shut up, Jess. रॉनी तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? For God's sake, मैंने लंदन से इंडिया आने के सारे अरेंजमेंट्स किए, तुम्हारे साथ आई हूँ एंड आई डोंट लाइक दिस कंट्री, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। देखो जैस, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। मुझे पार्टी में आना था और तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो, सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आया था। आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। इतना प्यार, इतना लगाव दूसरी शादी में देखने को बहुत कम मिलता है ना। तू है मेरा। आप ठीक तो है ना? इसलिए हम सोच लिए कि कैसे इस जोड़ी को टूटने से बचाना है। कैसे? तुम तीनों ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है और इस फैसले को अंजाम हम सब मिलकर देंगे। हाँ, यश और आरती के रिश्ते को हम टूटने नहीं देंगे। आज हम सब मिलकर यश के सामने ये बात लेकर ही आएंगे कि आरती उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। हाँ, लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि आरती की कसम भी ना टूटे और यश को पता भी चल जाए। लेकिन ये होगा कैसे अर्चना? एक आइडिया है। अब जब हम पार्टी में आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम यश को ये बात एक जोरदार तरीके से बताएं। क्यों? नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे भी प्यार से ज्यादा खूबसूरत जज्बात तो दुनिया में और कोई है नहीं, तो अपनी इस कोशिश को सच्चे प्यार का इम्तिहान बनाकर पेश करते हैं। क्यों? बिल्कुल, कुछ जबरदस्त और वो क्या कहते हैं ग्रैंड होना चाहिए। ना ही किसी ने कभी देखा हो और ना ही सोचा हो। लेकिन करना क्या है वो तो बताओ ना, और जो भी करना है सोच समझ कर करना। पार्टी चल रही है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों की पहल देखकर मुझे लग रहा है
मेरी आरती की बिखरी हुई गृहस्थी संभल जाएगी। आरती और उसके होने वाले बच्चे की जान दांव पर है। ऐसे में आरती के लिए यश जी के साथ की बहुत जरूरत है। हाँ देख, तू चिंता मत कर, आज हम सब मिलकर दो प्यार करने वालों को मिला ही देंगे। अरे इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। मैं भी आपके साथ हूं। ऐसे क्यों देख रहे हो, सुना नहीं आपने? मैं भी इस पुण्य के काम में आपके साथ हूं। और आज इस भोपाल फैमिली परफॉर्मेंस में होंगे देसी ठुमके, और उसमें होगा दो दिलों का मिलन। तालियां बजाओ। और इस बात को अंजाम देंगे मैं, कृष्णा और अर्चना।
है तू कहा, जाता है तू कहा, पापा जाता है तू कहाँ। हाथ में जोड़ू तोरे पढ़ू मैं पल मा तोरे पैया, छोड़ के तू मोहे नाचा करूँ मैं बिनती मोर सैया। फैसला तुझको आज करना है, डूब जाना है आप उभरना है, उस तरफ झूठ है दिखावा है, इस तरफ प्यार का बुलावा है, उस तरफ लालची निगाहें है, इस तरफ मेरे दिल की राहें हैं। पापा जाता है तू कहाँ। सलामे 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 कबले सलामे, सलामे 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 कबले सलामे। मुबारक हो सूर्य प्रताप जी, आप दादा बनने वाले हो। और गायत्री दादी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? आरती जी, आरती जी, आरती जी। यश, तुम शायद आरती को समझ ही नहीं पाए, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। एक्चुअली तुमसे डर गई थी कि तुम उसके बच्चे को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। हर औरत की तरह वो भी आपसे बहुत सारा उम्मीद जोड़ ली थी यश जी, लेकिन अंत में हम सबका उम्मीद को तोड़ के उसको जाना ही पड़ा। यश, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है, उसे इस तरह हाथ से फिसलने मत देना। जाओ, रोको आरती को। हाँ यश, तुम अब तक आरती के साथ जिस तरह से पेश आए हो, आज ऐसे मत करना। तुम्हें बदलना होगा यश, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ऐसा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है यश, आरती को जाने मत दो। अरे दिखला दो कि हम मर्द भी इमोशनल होते हैं और हमारा दिल पत्थर का नहीं है। चलो जाओ। और ये कि हमें सिर्फ प्यार करना ही नहीं, उसको निभाना भी आता है, और अपने प्यार की खातिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोक लो उसे यश, रोक लीजिए यश जी, इसके पहले की देरी हो जाए। आरती जी को और हम सबके प्यारे अंश को। यश, प्यार बहुत नसीबों से मिलता है, और यकीन मानो आरती तुमसे बहुत प्यार करती है,
रोक लो उसे। अरे बेटा सोच क्या रहा है, तेरी ये बुआ को मैंने सीढ़ी फेंकने के लिए बताया था, लेकिन वही सीढ़ी की वजह से सारी सच्चाई सामने आ गई। देख बेटा, सविता ताई बदल सकती है तो यश क्यों नहीं। जा, जाके दुनिया को दिखा दे कि चट्टान जैसा दिखने वाला आदमी उसका दिल भी मोम का है। जा। सच कहा है किसी ने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जिंदगी भर तकलीफ देते हैं, है ना? वर्षा, इश्क मेरी रात बन गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। कब मैंने ये सोचा था
मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम, उम्मीद के बंद लिफाफे में एक टिमटिमाता सपना है, उम्मीद भरा सपना, सपना उम्मीद भरा, चिकारी लेकर चांद सितारे रंगना, टिम 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 का सपना, आसमान की इस किताब पर नाम बस अपना लिखना है, उम्मीद भरा सपना, सपना उम्मीद भरा, उम्मीद से सजे जिंदगी, जी टीवी।